बिलासपुर जिले में पुलिस ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने पार्किंग में लापरवाही करने वालों को चेतावनी भी दी, साथ ही दुकानदारों से कहा कि यदि दुकान के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी होती है तो दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान महामाया चौक से सीताराम होटल तक यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने बताया कि शारदीय नवरात्रि में मां महामाया देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और नगर पालिका की टीम पैदल यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निकली हुई थी। अभी शारदीय नवरात्रि में जो है लाखों श्रद्धालु रतनपुर माता महामाया के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान जो है यातायात व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन और की टीम और पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम सभी जो है पैदल जो है यातायात व्यवस्था बनाने के लिए निकले थे। कई जगह जो है कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बाहर निकाल करके रखी हैं, कई लोग रोड में गाड़ी पार्क किए हुए थे। सभी को व्यवस्थित किया गया, दो गाड़ियों को जब्त भी किया गया है और सभी दुकान के जो संचालक हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो रोड में अपना सामान ना रखें, अन्यथा बाद में जब्ती की कार्रवाई जो है नगर पंचायत द्वारा की जाएगी। और जो भी वो सामान रखे थे और उनके ग्राहकों की गाड़ी बाहर थी, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने दुकान के अंदर अपने सामान रखें और गाड़ियां भी सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करवाएं। अगर निर्देश के पालन नहीं करेंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हम लोग पेट्रोलिंग करते रहेंगे। प्रशासन, नगर पंचायत और पुलिस की टीम जो है ये आज हमने कार्रवाई की है और कल भी अगर ऐसा पाया जाता है तो कुछ जब्ते की भी कार्रवाइयाँ होंगी, जिसमें कि लोगों के आज भी हमने दो मोटरसाइकिल और एक कार जो है वो जब्त की है। और ऐसे अगर अलग अलग कोई भी जो है विधि विरुद्ध कार्य करते पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।